दोस्तों, अगर आपने शौचालय योजना के लिए आवेदन किया हुआ था और आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया है, पेमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कल की डेट में 8 नवंबर को शौचालय योजना का पैसा डाला गया है। 6,000 रुपये एक किस्त का पैसा भेजा गया है कल की डेट में। मैं आपको यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। कल की डेट में पैसा आया हुआ है, PFMS पोर्टल पर लगा हुआ है, अपलोड हुआ है, और जो कि फंड भी यहाँ पर अप्रूव्ड हो चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे फंड के स्टेटस के कॉलम में आपको फंड अप्रूव्ड बाय एजेंसी, यहां पर देखिए एजेंसी के माध्यम से फंड अप्रूव हो चुका है। और यह पैसा अभी खाते में हालांकि नहीं आया है, लेकिन 1 से 2 दिन में आपके खाते में यह पैसा आ जाएगा। हो सकता है आज खाते में आ जाए या मंडे को खाते में आ जाए, तो यहां पर मंडे तक आपको इसका पैसा मिल जाएगा। अगर आपका PFMS पोर्टल पर पेमेंट शो हो रहा है, पेमेंट अप्रूव दिख रहा है, तो आपको मंडे तक इसका पैसा आपके खाते में ऐड हो जाएगा। शौचालय योजना का पैसा चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है शौचालय पेमेंट चेक ऑनलाइन 2024। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है शौचालय पेमेंट ऑनलाइन 2024, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपके सामने खुल करके आ जाती है। तो यहाँ पर शौचालय योजना का कैसे पैसा चेक करना है पूरा लाइव प्रोसेस बताया गया है। आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर डिटेल में जानकारी दी हुई है। इस योजना के अंतर्गत 2 किस्तों में टोटल 12,000 रुपये आपको यहाँ पर शौचालय निर्माण हेतु दिए जाते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आधिकारिक वेबसाइट, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल करके आ जाती है। अब आपको यहाँ पर पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करना है और DBT स्टेटस ट्रैकर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरीके का पेज खुल करके आ जाएगा। कैटेगरी में यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है PFMS। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर PFMS पोर्टल, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। PFMS पोर्टल, इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब DBT स्टेटस में आपको यहाँ पर पेमेंट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद बैंक, यहाँ पर आपको बैंक का नाम टाइप करना है, जिस जो भी आपने फॉर्म में खाता लगाया हुआ है उसी अकाउंट को यहाँ पर उसी बैंक को टाइप करना है। जैसे कि मान चलिए आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का लगाया हो, तो यहाँ पर आपको 4 लेटर में अपने बैंक के टाइप करनी है। यहाँ पर लिखना है इंडिया पोस्ट, तो यहाँ पर आपका जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर बैंक खोल करके आ जाएंगे। आपको यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है बैंक नाम। इसके बाद एंटर एप्लीकेशन आईडी, तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन आईडी को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन आईडी नंबर आपको फिल करना है, या आप यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड अगर आपको पता है तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। या आप यहाँ पर अकाउंट नंबर को भी फिल कर सकते हैं। अकाउंट नंबर से भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, आप वो अकाउंट नंबर या एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पर कोई एक चीज़ आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल करना है और सर्च के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पर पेमेंट डिटेल खुल करके आ जाती है। अगर आपको पैसा मिला होगा, पेमेंट भेजा गया होगा, तभी यहाँ पर पेमेंट डिटेल खुल करके आएगी। अगर आपको पैसा नहीं मिला होगा तो नो रिकॉर्ड फाउंड का आपको एरर देखने को मिलेगा, नो रिकॉर्ड फाउंड लिख करके आएगा, पेमेंट डिटेल नहीं खुलेगी। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके की पेमेंट डिटेल खुल करके आ जाएगी अगर आपको पैसा मिला होगा तो। यहाँ पर आपको किस स्कीम का पैसा मिला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी कोड, कितना अमाउंट यहाँ पर मिला हुआ है, कौन से बैंक के खाते में गया हुआ है, ये पूरी जानकारी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। फंड का स्टेटस क्या है, अप्रूव्ड है या पेंडिंग है या फंड रिजेक्ट हुआ है, यहाँ से आप पता कर पाएंगे पैसा आपका पास है या रिजेक्टेड है या पेंडिंग है। इसके बाद फाइल स्टेटस कॉलम में आएंगे तो बैंक रिसीव अगर आपका लिखा हुआ है तो खाते में पैसा पहुंच चुका है। क्रेडिट स्टेटस के कॉलम में पेमेंट सक्सेसफुल अगर आपका हो चुका है तो खाते में पेमेंट आ चुका है। यहां पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं, UTR नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर, किस डेट में बैंक खाते में पैसा ऐड हुआ है, कौन से अकाउंट में ऐड हुआ है, अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, ये पूरी जानकारी आप यहां से निकाल सकते हैं, पेमेंट स्टेटस चेक करके पता कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप शौचालय योजना का पैसा चेक कर सकते हैं घर बैठे ही ऑनलाइन। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।